बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज आपको पता चल गया होगा, हम जा रहे हैं सरगोधा के बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट, और ये बेकर भी है, रेस्टोरेंट भी है, फास्ट फूड भी मिलती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त काफ़त, बहुत ही ज़बरदस्त है सरगोधा में। इसकी 3 ब्रांचेज़ हैं, तो हम आपके साथ पूरा रिव्यू शेयर करेंगे कि वहाँ की चीज़ें कैसी हैं, कैसा माहौल है, कैसी जगह बैठने की, और चीज़ें उनकी कैसी कैसी हैं। तो मैं आपको सारा कुछ दिखाने लगी हूँ, तो वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, तो हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। तो आज की वीडियो बहुत मज़े का आने वाला है। जैसे कि आपको पता चल रहा होगा, आज मैं ज़्यादा ही रेडी हुई हूँ। तो आज हमने जाना है कहीं बाहर कुछ खाने, तो आज मैं आपको अपना ब्लॉग भी शेयर करूँगी, तो आपने पूरा ब्लॉग देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, और बहुत मज़े का आने वाला है। तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज ये पार्टी होने वाली मेरी सिस्टर देंगे, क्योंकि मेरी सिस्टर के जो है बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो वही हमें ट्रीट देंगे। सो गाइस, मामा ने जो है ना स्लीपर पहनने हैं, तो उन्हें ना कन्फ्यूजन हो रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ उन्हें किस चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही है। गाइस, एक ये है और दूसरा ये वाला, तब कौन सी पहननी चाहिए? अच्छा जी, तो सूट ज़रा मेरा शॉकिंग है, मैरून है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं मैरून पहनूँ, लेकिन बुशरा मुझे कह रही है कि मामा वाइट पहने। तो आप लोग भी मुझे ज़रा बताइए कि इसके साथ कौन सा मैच कर रहा है और कौन सा पहनना चाहिए। सो गाइस, जैसे कि आपने मामा की तो देख ली कि मामा ने कौन सी पहनी है, तो मुझे भी समझ नहीं आ रही मैं क्या पहनूँ स्लीपर्स में, तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो फिर देखते हैं आपके और मेरी चॉइस सेम है कि नहीं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो मेरे पास सिर्फ 4 है जो कि मैंने सेलेक्ट किए हैं कि मैं इनमें से ही पहनूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रही, एक मेरे पास लाइट पिंक है, एक ब्लैक है, एक येलो मस्टर्ड टाइप है, एंड एक ब्लू है, और मेरा सूट डिस कलर है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं कौन सा पहनूँ। मेरा दिल है मैं ये वाला पहनूँ, बट आप लोग होते तो आप कौन सा पहनते, तो कमेंट में मुझे बताना। हम पहुंच गए हैं सकाफत में, बाहर से आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। अंदर एंटर होते इनके ये डाइनिंग टेबल लगी हुई है, उसके बाद इनका बूफे लगा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी टेबल है, एनवायरनमेंट बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए, लोगों के बैठने की स्पेस भी बहुत अच्छी है, और बहुत ही खूबसूरत अंदर से ये बना हुआ है। तो सरगोधा में इसकी 3 ब्रांचेज हैं, तो आप तीनों पर जा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए, इसका अंदर से एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, बच्चे भी जाकर खुश हो जाते हैं, फ़ास्ट फूड भी है, बेकरी के आइटम भी आप खा सकते हैं, डेजर्ट भी हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के। और ये इनकी हाइट ही होती है स्पेशल, शाम को 5 से 7 बजे। तो ये देखिए, ये बूफे इसके अंदर होते हैं, और यहाँ सूप्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, और अंदर ही इनकी बेकरी बनी हुई है, बहुत ज़बरदस्त डिफरेंट किस्म के यहाँ पे केक्स हैं। ये देखिए, डिफरेंट किस्म के कप केक्स हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब हट के, जैसा कि हम बेकरी से चीज़ें लेते हैं ना, तो मुझे बहुत ही डिफरेंट लगी, वहाँ की तमाम चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। ये इमरान भी वहाँ पर सारा सर्च कर रहे थे कि उनके बेकरी के आइटम कैसे हैं, उनके ब्रेकफास्ट की चीज़ें कैसी हैं, और एक ग्लासेस लगे हुए थे, बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ था, सूप के बाउल लगे हुए थे, तो इनकी बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए, पैकेजिंग्स में मिठाइयाँ हैं, काजू की मिठाइयाँ हैं, उसके बाद ये इनके बर्गर्स हैं बहुत ज़बरदस्त, ओरियो शेक्स हैं, उसके बाद इनका स्टेक, मैक्सिकन स्टेक बहुत ही मशहूर है, और पिज़्ज़े के बहुत डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर वहाँ थे, और ये लेमन टार्ट थे, डेजर्ट बहुत ज़बरदस्त किस्म के थे, हाइटी उनकी बहुत मशहूर है। ये देखिए, इनके डोनट बहुत ज़बरदस्त थे, और ग्रिल सैंडविच, टिक्का सैंडविच थे बहुत ज़बरदस्त, उसके अलावा क्रीम रोल, क्रीम बॉल, चिकन पैटीज़, और बहुत ज़बरदस्त केक की वैरायटीज़ यहाँ अंदर सारी मौजूद थी। देखिए, अब मैं आपको बिल्कुल सामने से दिखाती हूँ, ये इनका बेकरी का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है पूरा, उसके बाद एक पूरा लाउंज बना हुआ है, उसके बाद ये देखिए बहुत अच्छा इनका इंटीरियर डेकोरेटर अंदर से हुआ हुआ है, बहुत ज़बरदस्त इनका फर्नीचर बहुत ज़बरदस्त है, इनकी कैटरिंग बहुत ज़बरदस्त थी, तो मुझे इनकी कैटरिंग भी, इनके बर्तन बहुत ज़बरदस्त मुझे लगे, और बाकी इनका पेश करने का तरीका बहुत ज़बरदस्त था, इनका स्टाफ बहुत अच्छा था। जैसे कि मैंने आपको सारा रेस्टोरेंट दिखा दिया, तो अब हम आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या आ रहा है और कैसा आ रहा है, और रिव्यू भी बताइए कि यहाँ का कैसा है। तो हम लोगों ने सोचा कि कोई स्पेशल आइटम ट्राई करते हैं, तो उन लोगों ने हमें बताया कि यहाँ का अल्फ्रेडो जो है ना पिज़्ज़ा, वो बहुत फेमस है, तो वही आप मंगवाइए और ट्राई कीजिए। और हमें पहले, हम हेजिटेट हो रहे थे कि हम नहीं मंगवाएंगे, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त, बहुत डिफरेंट, जितने हम बारबेक्यू पिज़्ज़ा खाते हैं, फजीता या सुप्रीम जो भी, उनसे बहुत डिफरेंट था, बहुत चीज़ी था, और जो मुझे अच्छी बात लगी, बहुत सॉफ्ट था। कोल्ड ड्रिंक उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सर्व की थी, ग्लासेस में अम्ब्रेलाज लगाकर,
उसके स्टाफ बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था और बहुत ऑनर के साथ हर चीज़ पेश कर रहे थे और स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव था। तो चलिए अब हम बाहर निकल आए थे खाने के बाद, तो उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया क्योंकि मेरी बेटी ने ये पार्टी हमें दी थी, तो हम सब ने बहुत इंजॉय किया, उसको दुआएं दी खुशियों की कि उसने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए थे ICS में, तो हमने उसके लिए पार्टी रखी थी तो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो उम्मीद है कि आपको भी आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो जो जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलती हूँ ऐसी वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।